हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स। इस पूरे वीडियो में हम लोग सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे और हम लोगों ने एक ही वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने सारे पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को क्लियर किया है, फ्रॉम स्टार्टिंग हाउ टू इंस्टॉल योर पाइथन एंड हिस्ट्री टिल मॉड्यूल सिस्टम। तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को, फिर हो चाहे वेरिएबल हो, आइडेंटिफायर हो, कमेंट्स हो, मल्टी लाइन कमेंट्स हो, ऑपरेटर्स हो, डेटा टाइप्स हों, वो सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में आसानी से हिंदी में कवर किया है, जिसकी हेल्प से आप सीख पाओ एक ही वीडियो में सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो यूज़ होती है क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वेब एप्लीकेशन हुआ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुआ, और भी एप्लीकेशन हुए जो कि बेस्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस पे। तो ये सारा काम करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। और पाइथन की एक खासियत है कि पाइथन बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे कोई भी बिगिनर स्टार्ट कर सकता है, कोई भी अगर प्रोफेशनल है वो तो स्टार्ट कर ही सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो पाइथन डेवलप किया था ग्विडो वैन रसम 1989 में, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था फ्रेंड्स। तो ये जो लैंग्वेज है वो मोस्टली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पुरानी लैंग्वेज है, और ऐसा सब लोग सोचते हैं कि वो नई लैंग्वेज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन के मोस्टली दो वर्जन आते हैं, एक 2.x वर्जन और एक 3.x वर्जन। तो जो लेटेस्ट है वो 3.x वर्जन है और हम लोग को 3.x वर्जन ही यूज़ करना चाहिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स में अपने फेवरेट सर्च इंजन, मेरा गूगल है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पाइथन डाउनलोड। और पाइथन डाउनलोड पे टाइप करने पे यहाँ पे पाइथन गूगल सर्च रिजल्ट्स कुछ देगा। तो सबसे पहले वेबसाइट जो ओपन होगी वो python.org। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा है, अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं 3.7। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा python.org जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ पे सब येलो कलर के बटन दिखेगी डाउनलोड पाइथन 3.7। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपका पाइथन का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या है, डायनेमिक चेक कर लेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हुआ वो हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हुआ है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होते तो विंडोज़ के लिए हो जाता। जैसे आप डाउनलोड कंप्लीट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक बार इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो गया तो फिर काम हो जाएगा, तो फिर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आप कोई और वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू ओल्डर वर्जन, और ओल्डर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वर्जन आएंगे। जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना होगा वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आपको जो डाउनलोड करना है वो 2.x नहीं डाउनलोड करना है, अदरवाइज होगा क्या, 2.x डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे 3. वाले फीचर्स 2.x पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब हम डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिलेगा पाइथन का, जिसका नाम है IDLE। अगर हम सर्च करते हैं IDLE तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। इस IDLE पे हम लोग पाइथन को रन कर सकते हैं, इवन कोई ज़रूरी नहीं आप IDLE पे पाइथन को रन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है रन करने के। आप अगर पाथ ऐड कर दें तो आप टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं, या IDLE से रन कर सकते हैं, या फिर आप अगर एडवांस सीखना चाहते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे काम IDLE पे कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे IDLE यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पे आप सिक्स जो मैं दूसरे IDE पे अभी करूँगा वो आप इस पे कर सकते हो, श्योरली कोई इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो कोड उस पे चलेगा वो कोड इस पे भी चलेगा। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ PyCharm IDE जो कि JetBrains ने दिया है। तो हम जाएंगे यहाँ पे गूगल पे और सर्च करेंगे PyCharm डाउनलोड। और जब हम PyCharm डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो PyCharm डाउनलोड होगा, PyCharm की जो वेबसाइट ओपन होगी, JetBrains की जो वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे हमको दो PyCharm दिखेंगे, एक कम्युनिटी वर्जन दिखेगा और एक प्रोफेशनल वर्जन दिखेगा। तो हम लोग को कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है क्योंकि कम्युनिटी वर्जन फ्री है। जैसे डाउनलोड करेंगे तो इसका भी इंस्टॉलर अपने आप से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब इसमें भी क्या है कि ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप से फेच कर लेगी ये वेबसाइट। तो अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो DMG फाइल डाउनलोड हो जाएगी, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और पाईचार्म को ओपन करेंगे तो ये पाईचार्म कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ से सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, उसके बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये पाइथन की फ़ाइल मैंने बनाई है, 1_video। यहाँ पर अगर कोई मैं पाइथन का कोड लिखता हूँ, प्रिंट दिस इज़ माई पाइथन कोड, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन है रन की, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ जाएगा। तो एक्चुअली मैं इस तरफ रन कर लिखने वाला कोड और इधर रन करने वाला कोड, रन करने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर एक अपना प्लेटफॉर्म निकाला है जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पाईचार्म, और पाईचार्म में इधर कोड लिखेंगे इधर हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, पाइथन में कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, अगर हमको स्क्रीन पे एज इट इज़ आउटपुट चाहिए, जैसे मैंने कहा दिस इज़ माय हेलो वर्ल्ड, तो अगर मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, और जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर रखते हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है, और अगर हम इसको रखते हैं तो एग्जैक्ट वही आउटपुट आता है जो हम इसके अंदर लिखते हैं। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपको एक, आपने एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और लाइन लिखी, मैंने कहा दिस इज़ माय सेकंड लाइन, और अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे दोनों लाइनें जो प्रिंट हो गई वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पे एक और आप लिख दोगे तो तीनों लाइनें नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गई। तो इस प्रिंट फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि आप जैसे ही इसको कोई लाइन देते हैं तो ये प्रिंट करने के बाद क्या करता है, लाइन को टर्मिनेट कर देता है, लाइन को चेंज कर देता है, दैट मीन्स लाइन चेंज हो जाती है। अगर आप लाइन चेंज करना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ लगाओगे कॉमा और लिखोगे एंड, और यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दोगे। इस केस में ये वाला प्रिंट क्या करेगा, ये इस पूरी लाइन को प्रिंट करेगा और एंड करेगा ब्लैंक से, दैट मीन्स ये लाइन को नहीं चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ चलाऊँ तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ माय हेलो वर्ल्ड पहली लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद लाइन चेंज नहीं हुआ, बट जो सेकेंड प्रिंट था उसने क्या किया, इस चीज़ को प्रिंट किया और लाइन चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हो लाइन चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ भी एंड लगा देंगे, और जैसे आप एंड लगाएंगे फिर से रन करेंगे तो ये वाली लाइन भी नहीं चेंज होगी और आपका आउटपुट सारा एक ही लाइन में आएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिंट के साथ, और आप एक एक चीज़ करके एक्सपेरिमेंट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कमेंट्स का होते हैं। तो कमेंट्स मतलब अगर हम चाहते हैं कि पाइथन ये कोड को रीड ना करे, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए हो कि हमारा जो कोड है वो क्या काम कर रहा है, वो हमारे लिए कोड हो, पाइथन इंटरप्रेटर से हम वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं, तो हम जिस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं तो हम उससे पहले लगा देंगे सिंपल सा हैज़। अगर हमने हैज़ लगा दिया तो पाइथन इस लाइन, पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ माय सेकंड लाइन, दिस इज़ माय सेकंड लाइन, मतलब इन दोनों लाइन का आउटपुट आया, बट पहली लाइन क्योंकि कमेंट है तो आउटपुट नहीं आया। अगर आप पाईचार्म यूज़ कर रहे हो तो फिर बहुत आसान है, आप सारी लाइनों को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल स्लैश क्लिक कर दीजिए, या अगर मैक पे हो तो कमांड स्लैश, आपकी सारी लाइन कमेंट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है पाइथन में तो एक तरीका है, आप ट्रिपल कोड यूज़ कर सकते हो, 1, 2, 3। अगर आपने ट्रिपल कोड यूज़ किया है तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसमें हम बहुत सारे कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज़ माई प्रोग्राम इन विच वी आर लर्निंग होल ऑफ पाइथन एंड 1 video। फ्रेंड, तो यहाँ पे ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, और यहाँ पे एक एक लाइन लगाना है तो आप हैस से भी कर सकते हो या आप ट्रिपल कोट्स लगा सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स को लगाने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा था कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कोड हम लिखते हैं तो डायरेक्ट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड कर लेता है। पाइथन बेस्ड है इंडेंटेशन पे, तो हमें देखना होगा इंडेंटेशन क्या है। इंडेंटेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं, और मैंने कहा अभी मैंने लिखा था फर्स्ट 1 प्रिंट कर दिया, फिर एक और लाइन और प्रिंट कर दी, एक लाइन और प्रिंट कर दी, यहाँ पे हमने एक लाइन और प्रिंट कर दी, एक लाइन प्रिंट और प्रिंट कर दी। तो इंडेंटेशन मीन्स कि अगर आपको इसके बाद कोई लाइन प्रिंट करनी है तो ये लाइन मेंटेन करनी है। अगर आपको इफ़ लगाना है तो आपको इफ़ लिखना है, और आपको इफ़
ब्लॉक के अंदर एंटर करने के लिए आपको एंटर करना है और आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ से मेंटेन करना है और आपको इसके अंदर कोई कोड लिखना है, फिर इसके अंदर कोड लिखना है। तो अब यहाँ पे लाइन मेंटेन करनी है, अगर इंडेंटेशन मेंटेन करना है दैट मीन्स इफ के अंदर लिखना है तो आपको इसी लाइन के नीचे एकदम लिखना होगा। अगर आपको इफ के बाहर आना है तो आप पीछे आ जाइए, दैट मीन्स आप इफ के बाहर आएंगे। इसको बोलते हैं फ्रेंड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स आपको इंडेंट मेंटेन करके रखना है, स्पेसेस मेंटेन करके रखने काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोग, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग आगे सीख सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में। तो कीवर्ड्स को समझने के लिए हम समझेंगे कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड है पाइथन में, दैट मीन्स इंटरप्रेटर को ऑलरेडी इसका मतलब पता हुआ है, पता है कि अगर ये चीज़ लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ मीन्स इसका मतलब ऑलरेडी पता है कि कंडीशन लगाना है। क्लास मतलब ऑलरेडी पाइथन को पता है कि हमें क्लास मीन्स क्लास बनाना है, डेफ मतलब फंक्शन बनाना है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है जो इंटरप्रेटर को पता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम में हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो हमने कहा माई वेर और हमने इसकी वैल्यू 45 रख दी। इसका मतलब ये जो माई वेर है ये एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने दिया है, और अगर यूज़र डिफाइंड वर्ड्स है प्रोग्राम के अंदर दैट मीन्स वो इंडेंटेशन होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि हम सभी वर्ड मतलब कोई भी वर्ड हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा वर्ड डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ होना चाहिए। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेशल सिंबल, डॉलर हैज़ वैज नहीं यूज़ कर सकते, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपका वर्ड होना चाहिए वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, बाकी आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। जैसे मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैंने ऊपर बनाया भी है और एक और बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई प्रोग्राम, तो ये भी एक वेरिएबल है जो कि आइडेंटिफायर और ये वैलिड आइडेंटिफायर है। वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब कि आपने वर्ड यूज़ किया है और वर्ड को सेपरेट किया अंडरस्कोर की हेल्प से, तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं और आपका जो वर्ड है वो डिजिट से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स बनाना सीखते हैं फ्रेंड। तो वेरिएबल बनाना बहुत ईजी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है ए और उसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे हमको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको चेक करना है कि ये ए किस टाइप का है तो हम लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए और हम क्या करेंगे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू 56 है, उसका टाइप इंटीजर है। इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है तो हमें स्ट्रिंग नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट नेम लिखना है वेरिएबल का नाम। और हम स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाह रहे हैं डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स तीनों स्ट्रिंग को बनाने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओनली जावा टेक और फिर हम नेम को यूज़ कर सकते हैं, नेम को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे नेम, और देखेंगे स्क्रीन पे कि हमारा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि ये नेम किस टाइप का है तो हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे टाइप ऑफ नेम, और जैसे हम टाइप ऑफ नेम लिखेंगे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग आया। तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, और फ्लोट भी वेरिएबल बनाना है तो हम इस एफ इज इक्वल टू और हम बस एक पॉइंट की वैल्यू देंगे, उसके बाद ये जो एफ है वो एज अ फ्लोट काम करेगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, एज अ फ्लोट काम करेगा। अगर हम इसका टाइप भी देखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे प्रिंट टाइप ऑफ एफ, तो हमें इसका टाइप भी मिल जाएगा। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें वेरिएबल्स और वैल्यू साथ में प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ एफ इज, अब हमें एफ के बाद इस वर्ड के बाद हमें स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू लानी है तो हम कॉमा लगाएंगे, एफ लिख देंगे। फिर से हमें कुछ लिखना होता तो फिर से कॉमा लगाएंगे, अपने स्ट्रिंग लिख देते हैं और फिर हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आउटपुट आया वैल्यू ऑफ एफ एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, इतना एज इट इज़ प्रिंट हुआ, उसके बाद वैल्यू प्रिंट हुई और एंड प्रिंट हुआ। इसका मतलब प्रिंट के अंदर हम कॉमा लगा के चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन बहुत यूजफुल फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको कैसे
हम लोग को सीखना है उन पे कैसे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली जो हम लोग डेटा टाइप पाइथन में पढ़ने वाले हैं वो 6 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। अभी एक एक करके मैं बताऊंगा वो कौन कौन से कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर्स की। तो नंबर्स में सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है इंटीजर। तो पाइथन में इंटीजर आप बहुत आसानी से ऐसे बना सकते हो और इस पर बहुत तरीके के ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल की वैल्यू थोड़ा छोटी छोटी देते हैं कि जिससे कि हम लोग चीज़ों को समझ जाएँ। तो ये इंटीजर की वैल्यूज़ हैं और हम लोग क्या करेंगे इस पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे प्लस तो हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ एज अ स्ट्रिंग ए प्लस बी। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा। अगर मैं एक चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो प्लस है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं प्लस की, जहाँ पे प्लस यूज़ किया था वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं एज अ माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं माइनस कर देता हूँ इसे माइनस और इसको भी माइनस। ये माइनस भी क्या है एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। उस इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे डिवाइड ऑपरेटर जो है हमको पता होना चाहिए क्या काम करता है। तो हम ए डिवाइड बी ट्राई करेंगे यहाँ पे ए डिवाइड बी और इसका देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ आउटपुट मिलेगा 16। तो ध्यान देने की बात है कि अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.0 आउटपुट मिलेगा। लेट सपोज अगर इसकी वैल्यू 31 होती तो ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ये क्या करेगा कि हमें पॉइंट की वैल्यूज़ देगा। बट बहुत बार आप डिवाइड करते हो या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पॉइंट की वैल्यूज़ नहीं मिलती, ये डायरेक्ट इंटीजर मिलता है। तो इंटीजर को यहाँ पे इंटीजर अगर आप चाहते हो या इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप इस डबल डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करो जिसको हम लोग फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर बोलते हैं। आप ऐसा लगाओ प्रिंट और आपको लिखना है ए डबल डिवाइड बी। और हम अगर ये करते हैं तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है इस केस में। तो हम एक्सिक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो हमें यहाँ पे देखिए इंटीजर ये वैल्यूज़ जो है वो राउंड ऑफ हो गई। राउंड ऑफ होने के बाद नियरेस्ट इंटीजर मतलब यहाँ पे 15 पे आ गई। तो अगर हमें पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो हम सिंगल डिवीजन यूज़ करेंगे और अगर अगर हमें पॉइंट की वैल्यू नेगलेक्ट करनी है दैट मीन्स हटानी है तो हम डबल डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम एक है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। अगर हम ए टू एस्ट्रिक बी लिखते हैं इसका मतलब ए पावर बी हुआ। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ए पावर बी और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा 31 × 31 961 आ जाएगा। तो इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं मतलब ए पावर बी आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे ऑपरेशन मैंने करके दिखाया है ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आप नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो डेटा टाइप था वो फ्लोट था। तो फ्लोट भी एग्जैक्टली ऐसे काम करता है वेरिएबल आपको ऐसे लेना होता है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद जो नंबर है पाइथन एक तरीके का और नंबर सपोर्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना सकते हैं। जैसे हमें अगर फर्स्ट नंबर बनाना है या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो हम लोग लिखेंगे 3 + 4j। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 3 + 5j या 4j। j लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमें सेकेंड नंबर बनाना है तो हम लिखेंगे सेकेंड नंबर एक वेरिएबल लेंगे सेकेंड नंबर और यहाँ लिखेंगे 8 + 6j। अब ये दो अलग अलग नंबर्स हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो एग्जैक्टली ये जैसे से इंटीजर था डबल था वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम चाहते हैं तो इनका सम भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। हाँ अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम मुझे मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और अगर हम चाहते हैं फर्स्ट नंबर का इमेजिनरी पार्ट प्रिंट करना तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर डॉट इमेज। तो हमको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा 5। अगर हम इसका रियल पार्ट चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट फर्स्ट नंबर डॉट रियल। तो हमें इसका रियल पार्ट मिल जाएगा। इसका मतलब हम पाइथन में रियल पार्ट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ऑपरेशंस को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो नंबर डेटा टाइप था उसमें बेसिकली 3 तरह के नंबर्स आते हैं इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद जो हम डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रिंग है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रिंग मैंने बताया था कैसे बनाना आपको, तो पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको सिर्फ वेरिएबल लिखना होता है और वेरिएबल के बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू जैसे हम लोग लेते हैं टेक्स ऑफ्ट इंडिया, ये वैल्यू है, और इसको अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्ट सिंपल सा नेम लिखिए। प्रिंट करने के बाद हम लोग इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैंने ऊपर सिंगल कोट यूज़ किया है, आप डबल कोट्स ट्रिपल कोट्स जो मर्जी वो यूज़ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रिपल कोट यूज़ करिए और डबल कोट्स और सिंगल कोट नॉर्मल यूज़ करिए। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लोगे एन इज इक्वल टू सिंगल कोट ए, तो यहाँ पे ए जो है या एन जो है वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा है। ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एन, तो हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा न कि कैरेक्टर मिलेगा। इसका मतलब सिंगल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर है तो वो भी पाइथन में एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होती है, एज अ कैरेक्टर नहीं ट्रीट होती है जैसे हम सारी लैंग्वेजेस में करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग है, वो चाहे सिंगल कोट हो, डबल कोट, ट्रिपल कोट हो। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं कि आप कैसे लेंथ निकालोगे। तो हमारे पास एक एलियन फंक्शन है, अगर इसको हम अपना नाम दे दें तो फ्रेंड ये मुझे लेंथ दे देता है जिसको मैंने एल में रख लिया, और हम इस लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। सबसे पहले हम आउटपुट देंगे एलियन जी टी एच लेंथ इज इक्वल टू, और कॉमा लगा के हम लिखेंगे एल, और हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी 40। तो ये लेंथ फंक्शन से हम लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सबस्ट्रिंग यूज़ करना है तो हमें स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लेट अस सपोज हमें इस नेम से जीरो पोजीशन की टी वाली वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे प्रिंट नेम ऑफ जीरो, और जैसे जीरो लिखेंगे तो हमें जीरो वैल्यू टी मिल जाएगी। अगर हमें वनथ वैल्यू चाहिए होती तो हम लिखते हैं प्रिंट नेम ऑफ वन, तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, तो हमें यहाँ ई मिल जाता। यहाँ से स्लाइस भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि जीरो से लेके ज़ीरो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हम चाहते हैं ज़ीरो से लेके एट तक वैल्यूज को सब स्ट्रिंग करना, एक्सट्रैक्ट करना, तो हम लिखेंगे प्रिंट नेम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो, और यहाँ पे लिखना है एंड माइनस वन, मतलब एक कम लिखना है जहाँ तक आप चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ टी तक, तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अगर एट दे देंगे तो ये टी तक निकालेगा, तो यहाँ पे एट दे देंगे। और हमें याद रखना है कि एट एक्सक्लूडेड है, दैट मीन्स ये सेवन तक निकालेगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो आप देख पाओगे टेक्स ऑफ, लेकिन अगर मैं यहाँ सेवन देता तो ये टी क्या करता, सेवन्थ वाला जो करेक्टर है उसको ये छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने टी छोड़ दिया। इसका मतलब हम आसानी से इसको सबस्ट्रिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें स्टेप्स चाहिए, दैट मीन्स हम एक एक करेक्टर छोड़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कोलन लगा के यहाँ पे टू लिख सकते हैं। दैट मीन्स अब फर्स्ट के बाद मुझे सेकंड करेक्टर चाहिए, एक एक करेक्टर छोड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, कैसे हम सबस्ट्रिंग कर सकते हैं पाइथन में स्ट्रिंग को। उसके बाद हम लोग पाइथन में क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है, तो ये होता है माइनस वन। अगर मैं दिखाऊं ऐसे प्रिंट करके, प्रिंट ऑफ नेम ऑफ माइनस वन, प्रिंट ऑफ नेम ऑफ माइनस वन, तो अगर हम नेम ऑफ माइनस वन प्रिंट करूं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जाएगा ए, दैट मीन्स ये। तो अगर मैं इधर से चलता हूँ तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ऐसे आएगा इंडेक्स। और अगर इधर से चलता हूँ तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस, इस तरह काम हो सकता है। तो अगर मुझे रिवर्स करना है स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा नेम, और स्टार्ट करना है माइनस वन, उसके बाद हमें लिखना था एंड, तो एंड में छोड़ दूंगा, और हमें देना होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे तीन चीज़ दिया है मैंने, मैंने माइनस वन मतलब स्टार्ट हमें यहाँ से करना था, एंड मैंने छोड़ दिया है तो यहाँ से लेके लास्ट तक जाएगा, और फिर माइनस वन मीन्स डायरेक्शन ये उल्टा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा रिवर्स भी हो जाएगा एक ही लाइन पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबस्ट्रिंग कैसे करते हैं अपने स्ट्रिंग को, और ये बेसिकली स्लाइस ऑपरेटर होता है जो एक्चुअली स्ट्रिंग को काटता है। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग के पास बहुत सारे फंक्शन है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ कैपिटलाइज एक फंक्शन है, प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये कैपिटलाइज मीन्स ये पहला लेटर कैपिटल कर देगा। उसके बाद हम बहुत सारे इसके फंक्शन है, नेम डॉट टाइटल, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद बहुत और भी, अगर मुझे चेक करना है कि ये डिजिट है कि न्यूमेरिक है, जो भी चेक करना है, तो हम यहाँ नेम डॉट इज अल्फ़ा इज डेसिमल इज डिजिट, बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो ये हमें ट्रू फॉल्स टाइप का आंसर दे देगा।
और भी बहुत सारे यूजफुल फंक्शन हैं स्ट्रिंग के अंदर, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो सारी चीज़ समझोगे। अभी हम ये हमारा मोटो था सिखाने का कि कैसे स्ट्रिंग को बनाते हैं, स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, इंडेक्सेस से कैसे एक्सेस करते हैं, सब स्ट्रिंग कैसे करते हैं, और एक दो फंक्शन सिखाने का हमारा मोटो था, वो हमने सिखा दिया। नेक्स्ट जो फ्रेंड डेटा टाइप है वो है लिस्ट। हम पाइथन में लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो अभी तक हम लोग सिंगल डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लिस्ट बनानी है बट एक नंबर नहीं स्टोर करना है, तो मैं लिखूँगा, मान लो हमें कई सारे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हम लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स में ये वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 23, दिस 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 दिस, और यहाँ पे मार्क्स में अब एक वैल्यू नहीं स्टोर है, अगर मैं मार्क्स को प्रिंट करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे इतनी सारी वैल्यू स्टोर हैं। अगर हम मान लीजिए अगर हम इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहते हैं, तो हम प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग की तरह एग्जैक्ट हम जीरो, इसकी भी पोजीशन होती है, तो मैं यहाँ पे 023 वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी एग्जैक्टली। अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे पढ़े होंगे तो ये एरे का काम करती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये डायनेमिक होती है, इसमें साइज़ नहीं देना होता है, और इसमें हीट्रोजीनियस एलिमेंट रख सकते हैं, दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे अपना नाम भी रख सकते हैं, या अपना नाम भी रख सकते थे। तो यहाँ पे हमने बनाना लिस्ट बनाना सीख लिया, लिस्ट को प्रिंट करना सीख लिया, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो, जैसे अगर आप जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डेल लिखोगे और मार्क्स ऑफ जीरो लिख दोगे तो ये जीरो डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ मार्क्स, तो आप देखिएगा कि जो जीरोथ वाला एरे, जीरोथ वाला जो था 23 एलिमेंट, वो डिलीट हो गया। तो डिलीट भी ऐसे ही कर सकते हो, और जिस तरह हमने स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग करना सीखा था वैसे इसमें भी आप सब स्ट्रिंग कर सकते हो, जैसे अगर हम जीरो से निकालें और चार तक निकालें तो ये जीरो से लेके तीन तक एलिमेंट्स को निकाल देगा, 0, 1, 2, 3 तक एलिमेंट्स निकाल देगा। उसके बाद इसके पास भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके लास्ट में कोई अपेंड कर सकते हैं, तो हमने कहा चलो भाई अपेंड कर देते 90, और अगर इसमें प्रिंट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मार्क्स में अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखिए मार्क्स में 90 अपेंड हो गया। इसी तरह अगर आप बीच में कुछ कोई भी चीज़ अपेंड करना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यूज़ करोगे इंसर्ट, और सबसे पहले इंडेक्स दोगे, तो जीरो पोजीशन पे मैं इंडेक्स इंसर्ट करना चाह रहा हूँ ऑनली जावा टेक, और हम रन करेंगे तो देखेंगे लिस्ट के जीरो पोजीशन पे, एक मिनट सेव करते हैं इसको। हाँ, तो लिस्ट के जीरो पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है, तो हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं, और हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के जीरो पोजीशन पे हमारा ऑलेज ओवर टेक आ गया। इसी तरह अगर आपको लेंथ निकालना है तो इस पर भी आप लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हो, आप लेंथ ऑफ मार्क्स यूज़ करके इसका भी लेंथ निकाल सकते हो, 7 आ जाएगा। इसी तरह अब अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप यहाँ पर मार्क्स डॉट रिमूव मैथड यूज़ करके, रिमूव मैथड यूज़ करके आप, जैसे मुझे 32 रिमूव करना है तो यहाँ पर 32 पास कर दूंगा, रन करूंगा और प्रिंट कर देता हूँ एक बार जिससे कि पता चले, तो मार्क्स को मैं प्रिंट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा, फिर चलाऊंगा तो देखेंगे 32 यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। तो हम इसी तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, लेट अस सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में रखा हुआ है कुछ एलिमेंट्स और हमें इसमें से मिनिमम निकालना है, तो आप प्रिंट ऑफ मिन फंक्शन यूज़ कर सकते हो और अपनी लिस्ट को इसमें पास कर सकते हो, तो ये प्रिंट कर देगा आपसे मिनिमम। उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, मैक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और मैक्स में आपको अपनी लिस्ट पास कर देनी है और ये प्रिंट कर देगा मैक्सिमम। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशंस आप लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हो। अभी लूप पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लूपिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, या फिर मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट एक वेरिएबल लोगे, अब वो कोई वेरिएबल ले सकते हो, बेसिकली ये जो वेरिएबल है इसके अंदर एक एक एलिमेंट आएगा, तो एक्स ले सकते हो इन और अपनी लिस्ट दे दो, और फिर क्या करो प्रिंट कर दो एक्स को, तो लिस्ट से एक एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा, सबसे पहले पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाओगे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो लिस्ट की हेल्प से आप एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हो। इवन अगर आप लिस्ट को रिवर्स करना चाह रहे हो तो आप इस लिस्ट पे कॉल कर सकते हो रिवर्स फंक्शन, लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन, और अगर फिर से लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आपकी लिस्ट क्या हो चुकी होगी, रिवर्स हो चुकी होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिस्ट में मोस्टली सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या कैसे करना है, तो लिस्ट हमारी हो गई कंप्लीट।
उसके बाद एक और डेटा टाइप है जिसको हम लोग टपल बोलते हैं। टपल एग्जैक्टली लिस्ट है, इसको बनाने का बस तरीका अलग है। जैसे इस अगर टपल मुझे बनाना होगा तो हम लिखेंगे मार्क्स, और टप लिस्ट को हम ऐसे बनाते थे, टपल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। और मैं भी बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। टपल बेसिकली एक बार बन जाता है तो चेंज नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे मार्क्स तो सारे मिलेंगे, मार्क्स तो सारे मिलेंगे यहाँ पे, सारे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस पर मैं फॉर लूप एक्सेसिंग सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मुझे जीरोथ वाला चाहिए तो मैं मार्क्स ऑफ जीरो प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे जीरोथ वैल्यू प्रिंट। लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो हमें मार्क्स के जीरोथ पोजीशन पे 23 नहीं चाहिए, 55 चाहिए, तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, टपल डज नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। दैट मीन्स टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, और टपल में एक बार आप चीज़ें रख देते हो तो उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, इवन नया टपल बना सकते हो आप, ठीक है। तो टपल इज सेम एज लिस्ट बट इट कैन नॉट बी चेंज, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद डिक्शनरीज है। तो फ्रेंड्स हमने सीखा कि लिस्ट क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर डेटा टाइप क्या होते हैं, और टपल क्या होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स डिक्शनरीज ऐसी एक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसकी हेल्प से हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमें अपने बारे में डिटेल स्टोर करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, और हम लगाएंगे ये वाला सिंबल, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, तो हम लगाएंगे ये वाला सिंबल, और हम सबसे पहले की लिखेंगे। जैसे हमने अपना नाम लिखा, उसके बाद हम लगाएंगे कोलन, और फिर हम अपने नेम की वैल्यू लिखेंगे कि मेरा नाम क्या है। उसके बाद ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। इसी तरह हम एक दूसरा की वैल्यू पेयर बना सकते हैं, हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, और फिर लगाएंगे हम एड्रेस, और फिर हम कोलन लगाएंगे, और फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे लखनऊ। और फ्रेंड्स इसके बाद तीसरा अगर मुझे की वैल्यू डालना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन, और फ़ोन में मैं अपना नंबर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसी तरह करके हम बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरीज़। अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें डेटा में क्या वैल्यूज़ मिली हैं। तो डेटा में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नेम में दुर्गेश मिला, एड्रेस में लखनऊ मिला, फ़ोन नंबर में हमारा फ़ोन नंबर मिला। अगर हम इसका टाइप देखें, हमने कहा प्रिंट टाइप ऑफ डेटा, तो हमें मिल जाएगा कि ये जो है वो डेटा एक डिक्ट है, डिक्ट मीन्स डिक्शनरी है। इसके बाद एग्जैक्टली हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा नाम क्या था, तो हमने कहा डेटा, और डेटा के अंदर अगर हम की दे देंगे तो ये हमारा इस नेम की वैल्यू दे देगा यहाँ पे। इसी तरह हम एड्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे डेटा, और डेटा के अंदर हम दे देंगे एड्रेस, तो अगर मैं एड्रेस दे दूंगा तो ये एड्रेस की वैल्यू मतलब लखनऊ प्रिंट कर देगा। इसका मतलब हम की वाइज क्या कर सकते हैं, की वाइज हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हम स्टोर भी की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर कॉमा भी की वैल्यू पेयर करते हैं, और उसको प्रिंट भी की वाइज निकालेंगे। जैसे अगर आपको सारी कीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे एक लूप लगाओगे फॉर की इन, और हम डेटा के पास एक फंक्शन है कीज़, और हम लगाएंगे यहाँ प्रिंट कीज़, और एक एक करके जो भी कीज़ होंगे ये बेसिकली आपको दे देगा सेट ऑफ कीज़, और कीज़ एक एक करके की में आती जाएंगी, उसको हम लोगों ने प्रिंट किया है। देखिए यहाँ पे एक एक नेम एड्रेस फ़ोन आ गया। अब अगर की मिल गई है तो हमारे पास एक फंक्शन है डेटा के पास गेट, और गेट को अगर हम की दे दें तो ये वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, एक एक कीज़ और उनकी वैल्यूज़ भी निकलती जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि कीज़ को वैल्यू के साथ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे की लिख दूंगा तो की प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं ऐसे एक एरो लगा दूंगा, और फिर मैं कॉमा लगा दूंगा, और फिर प्रिंट करके देखूंगा। यहाँ देखिए नेम दुर्गेश, एड्रेस लखनऊ, और फ़ोन ये मिला। इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि जो डिक्शनरी है उसमें हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के बाद हम सारी कीज़ निकाल सकते हैं। इवन अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो हम वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है वैल्यूज़ का। तो अगर हम प्रिंट करते हैं, देखें प्रिंट करते हैं डेटा डॉट वैल्यूज़, और अगर यहाँ पे हम प्रिंट कर दें तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर हम फॉर लूप लगा दें फॉर वी इन डेटा डॉट वैल्यूज़, और हम वी को प्रिंट कर दें तो एक एक वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए एक एक वैल्यूज़ प्रिंट है। तो फ्रेंड हम सिंपल है,
सिंपल है डिक्शनरी को बनाना, आप ये वाला ब्रेसिस लगाएगा और यहाँ पे लिखेगा की वैल्यू कॉमा दूसरा की दूसरा वैल्यू कॉमा तीसरा की तीसरा को वैल्यू, इसी तरह कॉमा चौथा की चौथा वैल्यू, और फिर उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीज़, जितनी वैल्यूज़ हैं उनको कीज़ से हेल्प एक्सेस कर सकते हो, या आप कीज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हो या मेथड यूज़ कर सकते हो एक एक कीज़ को निकालने के लिए, आप वैल्यूज़ मेथड यूज कर सकते हो एक एक वैल्यूज़ को निकालने के लिए, और ये सारे ऑपरेशन और भी बहुत तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, बट बेसिकली जो डिक्शनरीज़ है वो की वैल्यू पेयर डेटा स्टोर करने के लिए ही हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे 6 डेटा टाइप्स देखे, या अभी तक तो 5 देखे हैं, एक और डेटा टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो है सेट। सेट सेट बेसिकली अगर मुझे डुप्लीकेट्स नहीं रखने, जैसे मुझे एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनानी है जिसमें हमें कुछ नंबर्स रखना है, तो लिस्ट में क्या है प्रॉपर्टी कि लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी हो जाएंगे, बट अगर हम एक सेट बनाते हैं, मान लो मैंने कहा माई अंडरस्कोर सेट, और सेट बनाने का तरीका ये वाला सिंपल आ गया, बट यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं देंगे, सिर्फ नंबर्स देंगे सिंगल वैल्यूज, तो हमने कहा 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो जो सेट की प्रॉपर्टी है वो अभी आपको पता चल जाएगी, अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ माई सेट और रन करता हूँ तो आप देखोगे कि 2, 3, 4 प्रिंट हुआ, दो इतनी बार रिपीट हुआ था बस एक ही बार प्रिंट हुआ, तीन इतनी बार रिपीट हुआ था एक ही बार प्रिंट हुआ, चार एक इतनी बार रिपीट हुआ था। तो सेट की यही प्रॉपर्टी है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते, डुप्लीकेट नहीं स्टोर होंगे, अगर डुप्लीकेट स्टोर होंगे तो वो डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है उसमें से डुप्लीकेसी आपको हटानी है तो उसको सेट में कन्वर्ट कर दीजिए, और सेट में जैसे ही वो कन्वर्जन होगा वो सारे डुप्लीकेट्स क्या होंगे अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरीज क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सेट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट सीखते हैं क्या होता है, और कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करें, जैसा इफ़ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, ब्रेक हो गया, ये सारे स्टेटमेंट हैं जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 45, और अगर इस नंबर को हम प्रिंट करना चाहते हैं तभी जब इसकी वैल्यू 40 से बड़ी हो, तो हमें लगाएंगे इफ़, और हम चेक कर लेंगे इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 40, अगर ऐसा है उसी केस में हम क्या करेंगे एन को प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू होगी 45, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी और जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ 45 प्रिंट होगा। लेकिन अगर इन केस n की वैल्यू हम लेते हैं 25 और अगर हम प्रोग्राम को चलाते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं प्रिंट हुआ, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। इफ़ ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स आपके प्रोग्राम का जो फ्लो था उसको ये कंट्रोल कर सकता है, और ऐसे स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करें तो यही हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इफ़ की बात करते हैं। इफ़ एक ऐसा स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब बात करते हैं else if। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम यूज़ करते हैं else if। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है x, और x जो वैल्यू है उसको प्रिंट हमें ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, तो हम यहाँ लगाएंगे इफ़ और चेक कर लेंगे इफ़ x इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट, अगर ज़ीरो से बड़ी है तो ये वैल्यू ऑब्वियस ही बात है क्या है पॉजिटिव वैल्यू, और अगर ये ज़ीरो से छोटी है तो हम लगाएंगे एल इफ मीन्स एल्स इफ, अगर ये ज़ीरो से छोटी हो गई वैल्यू दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू। एल्स अगर ये ना छोटी है ना बड़ी है तो एल्स मीन्स ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो हमने कहा दिस इज ज़ीरो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एल इफ मीन्स एल्स इफ, जब हमारे पास दो कंडीशन थे एक और दो तो मैंने एल्स इफ यूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेना भी सिखाते थे, यहाँ पे हमने 3 फिक्स कर दिया था, बट अगर आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ करो और यहाँ पे लिख दो एंटर नंबर, तो जैसे फंक्शन चलेगा एंटर योर नंबर, ये क्या करेगा एक नंबर, ये एक मैसेज देगा और जो भी नंबर आप वहाँ पे लिखोगे वो मैसेज एक्स में डाल देगा। बट फ्रेंड ये देता है, ये जो हमें देता है ये है एक स्ट्रिंग की वैल्यू, तो हमें
यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को यहाँ आप कर देंगे ऐसे ही एन, और हम लोग इसके नीचे इस एन को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो हम लिखेंगे इंट और इंट में एन पास कर देंगे, और जो इंट में कन्वर्जन होकर आएगा एक्स में आ जाएगा। एक बार मैं और समझाता हूँ, एन में जो वैल्यू आएगी वो एज ए स्ट्रिंग आएगी, और इस इंट फंक्शन को मैंने दे दिया है अपना नंबर, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और ये वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी। तो फ्रेंड जैसे हम प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए एंटर नंबर आ रहा है, और हम अपना नंबर देंगे 78 और एंटर करेंगे तो इट इज़ पॉजिटिव नंबर। फिर से हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे और यहाँ नंबर देंगे -96, एंटर करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लेना सीख लिया। एक चीज़ और सीख लेते हैं, कन्वर्जन्स, कुछ कन्वर्जन्स, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इंट फंक्शन, तो इंट को हम कोई स्ट्रिंग देते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करता है, वैसे ही हमारे पास फ्लोट फंक्शन है जो इसको कुछ नंबर देंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, वैसे ही हमारे पास एक्सटीआर फंक्शन है जो इसको कुछ नंबर देंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है काम करने के लिए, तो यहाँ पे तीन फंक्शन हम लोग जो यूज़ करेंगे, इंटीजर में इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में फ्लोट में, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। एक चीज़ और है कि हम पाइथन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने कहा 34 और इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एसटीआर से, अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कहा, दैट मीन्स देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस विद इंटीजर एंड स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर और स्ट्रिंग में प्लस नहीं कर सकते। अगर मुझे इस 34 को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना था तो सबसे पहले इसे मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता, तो हम वही वाला स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर लेते इसको कन्वर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम देख पाएंगे ये कन्वर्ट हो जाए, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो हमारे पास दो वैल्यूज हैं ऐसे कुछ, हमने कहा प्रिंट 34 प्लस 56, और अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस 34 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि वो जो फंक्शंस मैंने बताए थे उनको हमें कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 79। तो हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया, एल्स इफ यूज़ किया, अब हम बात करने जा रहे हैं लूप की। तो लूप का भी यूज़ होता है, लूप मीन्स अगर आपको कोई स्टेटमेंट रिपीट करना है, जैसे मान लो मुझे हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है, तो हम 1 से लेकर 5 तक लूप चलाएंगे, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और हमें देना है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 और लूप का एंडिंग पॉइंट 5। तो बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो 5 है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे आपको एक ज़्यादा देना है, तो 6 देंगे तब 5 तक चलेगा, और हम लगाएंगे कोलन, एंटर कर देंगे और प्रिंट आई कर देंगे, तो देखेंगे क्या होगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए, और आई मतलब पहली बार में आई की वैल्यू 1 हुई है, दूसरी बार में आई की वैल्यू 2 हुई, तीसरी बार में आई की वैल्यू 3 हुई है, चौथी बार में आपकी आई की वैल्यू 4 हुई है, फिर 5 हुई। दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक लूप चला है और हर बार आई की वैल्यू बढ़ती गई। तो हमें प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड, तो हम आई की जगह लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, तो फॉर लूप मीन्स रिपीटेशन, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और अगर साथ में आप आई की वैल्यू भी चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, आई लिख दो, और फिर हम लोग रन कर देते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत ही काम, आप बहुत ही सिंपल तरीके से लूप चला सकते हो पाइथन में, बस आपको सिंटेक्स याद है फॉर आई इन रेंज, रेंज मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बट एंडिंग एंडिंग इज एक्सक्लूडेड, दैट मीन्स आप जो वैल्यू दोगे -1 तक ये लूप चलेगा। इस लूप को रिवर्स कैसे चलाते हैं ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो हम लगाएंगे फॉर, लेट अस सपोज हमें 10 से लेके प्रिंट करना है 1 तक, तो हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, और सारा कमाल रेंज का ये सीक्वेंस रिटर्न करता है, तो हमें चलना है 10, तो हम लिखेंगे 10, और 1 तक चलना है तो हम कॉमा लगा के 1 तक चलना है, तो 1 के बाद आएगा 0 अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, 2 1 फिर 0, तो 0 इज़ एक्सक्लूडेड, मतलब 1 तक लूप चलेगा। और आपको यहाँ पे देना होता है डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे -1 दे देता हूँ, बेसिकली स्टेप है माइनस, मतलब उल्टा मुझे चलना है, और प्रिंट में कर दूंगा जे को, तो ये 10 से लेकर 0 तक माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, देखेंगे यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 3 2, तो यहाँ पे उल्टा लूप चल जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे फ्रेंड मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स, उसको सम करना है, तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं चेक करता हूँ कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट, और हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमें लेंथ ऑफ लिस्ट 10 मिलेगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर वाले जो रिवर्स लूप था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और हम फिर लूप को चलाते हैं तो हमें 10 मिलेगी। अगर मुझे सम करना है तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा एस इज इक्वल टू 0, और मैं एक करके लिस्ट से वैल्यू निकालूंगा, तो मैं कहूँगा फॉर एक्स इन लिस्ट,
बस x में क्या करके वैल्यूज आ जाएगी और हम लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस एक्स, और हम जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो हम पीछे आके प्रिंट करेंगे s को और हम प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो सम है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग उसके साथ कॉन्टेनेट कर सकते हो, अब आ जाएगा। तो हम ऐसे लूप चला के ट्रवर्स कर सकते हैं किसी लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरीज को। अब टपल को एग्जैक्टली ऐसे ट्रवर्स कर सकते हो फॉर एक्स इन लिस्ट, लिस्ट मतलब एक एक्स में एक एक करके सारे वैल्यूज आ जाएंगे और वो सम होता जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। तो लिस्ट को ट्रवर्स करना बहुत ईजी है फॉर लूप, इवन बहुत ही ज़्यादा ईजी है फॉर लूप पाइथन में। नेक्स्ट जो लूप होता है, दूसरे तरीके का लूप पाइथन सपोर्ट करता है, वो है व्हाइल लूप। तो इस बार हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप एग्जैक्टली जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वगैरह में होता है वैसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक से लेकर 10 तक नंबर्स तो प्रिंट करने हैं बट व्हाइल लूप से प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे आई इक्वल टू जीरो, ये ट्रैक करेगा हमारे लूप को और हमें एग्जैक्टली वैसे देना है व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन लगाना है तो हम कहेंगे व्हाइल जब आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप चलेगा और ये प्रिंट करेगा आई को, और फिर हम आई को इंक्रीज कर देंगे। तो आई को इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई एक एक करके बढ़ जाएगा और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जीरो से लूप चला है क्योंकि आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई है, जीरो, और जब तक 10 या 10 से छोटा था तब तक लूप हमारा एग्जीक्यूट हुआ। फ्रेंड इस चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू आई, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब ऊपर वाला है, बस ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना था तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंट हो जाएगा। एग्जैक्टली व्हाइल लूप वही ट्रेडिशनल लूप है जो सी जावा इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसा ही है। ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो। एक मैं एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। लेट सपोज हमें काउंट करना है नंबर की डिजिट्स को, तो मैं क्या करूँगा एक नंबर ले लूँगा और जो नंबर आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा और इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज़र से नंबर ले लूँगा एंटर नंबर। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए, और जो भी इनपुट आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा उसको एक ये इंटीजर क्या करेगा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद एन में रख देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है या काउंट करना है सारे डिजिट, तो हम एक सी की वैल्यू जीरो लेंगे और वाइल का लूप चलाएंगे और लूप में चलाएंगे जब तक एन की वैल्यू जीरो से बड़ी रहती है तब तक हम लोग चलाएंगे। और हम एक एक डिजिट कैसे निकालेंगे, हम लेंगे एक वेरिएबल आर और एक एक डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे एन को मॉड करेंगे 10 से और सी को हम क्या कर देंगे प्लस प्लस, सी में हम प्लस 1 कर देंगे और फिर हम एन से लास्ट डिजिट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू दे देगा, तो हम क्या करेंगे डबल डिवीजन करेंगे। और जब हमारे लूप ख़त्म होगा तो सी में काउंट आ चुका होगा तो हम यहाँ लिख देंगे काउंट कोलन और कॉमा लगा के सी की वैल्यू, तो हमारे डिजिट काउंट हो जाएंगे। मैं एक बार रन करता हूँ और नंबर देता हूँ, लेट अस सपोज हमने नंबर दे दिया एंटर किया तो हमारे इस वेरिएबल में डिजिट्स थी 5, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। जैसे हमें सम करना हुआ तो हम काउंट के साथ साथ सम का भी एक वेरिएबल ले लेंगे और जहाँ काउंट कर रहे हैं वहाँ हम सम लिखेंगे, सम इज या प्लस इक्वल टू आर बस, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं इसको इसका थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस आर। और अगर हम काउंट के बाद सम प्रिंट करना चाहते हैं तो सम वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सम कोलन और सम की वैल्यू, तो फ्रेंड यहाँ क्या होगा सम भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं व्हाइल लूप की हेल्प से। यहाँ पे सम भी हो जाएगा 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 प्रिंट हो गए। तो व्हाइल लूप बहुत ईजी है एज अ ट्रेडिशनल लूप, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक चलता है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप ब्रेक हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लिसिटली लूप को ब्रेक करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। मैं दिखाता हूँ आपको, लेट अस सपोज आप एक से लेके 100 तक के नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, तो हाँ आप एक आई की वैल्यू ले लो 0 और व्हाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होती है और हम प्रिंट करेंगे आई को और आई इक्वल टू प्लस 1 कर देंगे। लेकिन फ्रेंड आप चाहते हो कि जैसे 50 हो प्रिंट करने के बाद ब्रेक हो जाए, तो हम लिखेंगे इफ़ आई की वैल्यू जैसे ही 50 होगी, आई की वैल्यू जैसे ही 50 होगी तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, नॉट ब्रेक पॉइंट
लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 0 से लेके 49 तक तो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही आई केवल 50 होगी, आई 50 प्रिंट होगी, बट ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक जैसे ही फायर होगा आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइन आपने लिखी होगी वो चल जाएगी, लूप एंडेड। तो ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सफुली लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 50 तक सारे स्टेटमेंट चले हैं, लेकिन जैसे 50 हुआ लूप एंडेड, दैट मीन्स हमारा लूप ब्रेक हो गया। इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि आपके जैसे ही वो कंटिन्यू स्टेटमेंट फायर होता है, लूप के नीचे की सारी लाइनें एक स्किप हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास एक लूप है जो 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है, 3 लाइंस बार बार। हमने कहा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 है, दैट मीन्स 11 लिखना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, 3 लाइनें प्रिंट कर रहे हैं बार बार। एक प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन, और उसके बाद सेकेंड लाइन एंड लास्ट वन इज थर्ड लाइन। और एक डिवाइडर हम लगा रहे हैं हर लाइन के बाद, जिससे कि हमें पता चल जाए कि सारी लाइनें अलग अलग प्रिंट हुई हैं। इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 10 बार ये प्रिंट करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट हम चाहते हैं कि जब सेकंड बार हो तो सिर्फ फर्स्ट प्रिंट करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक कर लूँगा, इफ़ आई की वैल्यू अगर 2 है तो मैं कंटिन्यू कर देगा। इसका मतलब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप यहीं से ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन से, ना कि ये सब चलेगा। तो जैसे 2 होगी ये प्रिंट होगा, उसके बाद आई नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, नीचे की चीज़ें स्किप कर देगा। देखिए सेकेंड के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट के लिए ये देखिए, सेकेंड फर्स्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद नीचे की लाइनें बंद हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो मैं इसके साथ आई को कॉन्कैटिनेट, मतलब आई को इसके साथ प्रिंट कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि जो फर्स्ट है वो कौन सा वाला है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट है सेकंड वाला, उसके बाद इसके नीचे सेकंड थर्ड प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से लूप क्या हो गया था, थर्ड आई के नेक्स्ट इटरेशन के साथ कंटिन्यू हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर क्या होता है, इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है, वाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और इवन कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट बात आती है फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में और फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड। तो फंक्शन बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको हम कुछ काम दे देंगे, बट फंक्शन को बिना कॉल किए वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे हम फंक्शन को बना के दिखाते हैं, हमें उस फंक्शन बनाना होगा तो हम यूज़ करेंगे डेफ कीवर्ड। और फंक्शन मान लो हम फंक्शन का नाम है fun1 और हम कोलन लगाएंगे और लिख देंगे प्रिंट और प्रिंट लिख देंगे दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले चीज़ डेफ कीवर्ड यूज़ होगा फंक्शन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है डेफ, उसके बाद लिखना है फंक्शन का नाम, और ये होते हैं आर्गुमेंट। इस केस में मैंने कुछ नहीं दिया, अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन को हमेशा आप कॉल करते हो तभी रन होता है। अगर हम इस फंक्शन के बाहर आएँ और इस फंक्शन के अंदर फंक्शन के नेम से मैं कॉल कर लूँ इसको और अगर रन करूँ तो देखिएगा जो फंक्शन के अंदर लिखा होगा चल जाएगा। अगर यहाँ मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ द फंक्शन, तो अगर रन करेंगे तो सेकेंड लाइन चल जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट वेरिएबल की तरह है, बट वेरिएबल वैल्यू को याद रखता है और ये फंक्शन अपने स्टेटमेंट्स को याद कर रखा है। जैसे ही हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं वो वैल्यू यूज़ हो जाती है, जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसको आर्गूमेंट भी देना चाह रहे हैं तो हम फिर से लिख सकते हैं डेफ, और डेफ में लिखते हैं से हेलो, ये फंक्शन का नाम है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम देंगे इस फंक्शन को कॉल जब करेंगे तो नेम देंगे, और प्रिंट ये करेगा, सबसे पहले लिखेगा हेलो, और यहाँ पे फिर वो जो नाम दोगे वो प्रिंट कर देगा। तो ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर आप इसको रन करोगे तो पहले वाला आउटपुट आएगा। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और एक नाम देना होगा, जैसे हमने कहा टैक्स ऑफ इंडिया। और अगर हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो देखिए सबसे पहले पहला फंक्शन चला है, यहाँ से मैंने कॉल किया, फिर दूसरा फंक्शन चला है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है। अगर हम इसी फंक्शन को दूसरे नाम के साथ कॉल करना चाहते हैं तो हम से हेलो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली जावा टेक। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो
ये जो दूसरा फंक्शन है ओनली जावा टेक के साथ कॉल हुआ, तो जैसे ही कॉल हुआ ऊपर नेम में गया ओनली जावा टेक, उसने प्रिंट किया हेलो ओनली जावा टेक, और पहले के लिए नेम में गया था टेक्स ऑफ इंडिया, तो इसने प्रिंट किया था हेलो टेक्स ऑफ इंडिया। इसी तरह हम फंक्शंस को बना सकते हैं, क्योंकि आपने से हेलो बनाते समय यहाँ नेम की रिक्वायरमेंट की है, तो अगर आप से हेलो ब्लैंक से कॉल कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। ये देखिए यहाँ पर आ गई एरर, मिसिंग वन, मतलब एक रिक्वायरमेंट एक आर्गुमेंट यहाँ चाहिए लेकिन आपने दिया नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे अगर कोई वैल्यू ना पास करे तो यहाँ मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ नो नेम। अब क्या होगा, अगर आप पास करोगे तो ये नाम ले लेगा, नहीं पास करोगे तो ये नो नेम ले लेगा। एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूँ, देखिए अगर हमने आर्गूमेंट पास किया है तो उसने आर्गूमेंट प्रिंट किया, अगर हमने आर्गूमेंट नहीं पास किया तो उसने नन प्रिंट किया। तो यहाँ पे जो पैरामीटर हमने बनाया है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे नेम अगर आप नहीं दोगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नो नेम, अगर हम देंगे तो वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से फंक्शंस बनाते हैं, इस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें क्या है कि फंक्शन का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। लेट अस सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर का सम, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे डेफ डू सम, डू सम में ए ले लेंगे और बी ले लेंगे, ए ले लेंगे बी ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे डू सम और इसको दो नंबर देंगे 3 2, तो ये कुछ रिटर्न नहीं, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या कर रहा है सम करके वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है। तो हम इसको रिसीव करेंगे, तो जो सम करके आंसर देगा वो आंसर में आ जाएगा, और फिर आंसर को हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। अब हमारा सम आएगा, देखेंगे हमारा सम आएगा 5। तो यहाँ पे जो 2 है वो ए में जा रहा है, 3 है बी में आ रहा है, ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप पहले दे दोगे 2 तो ए में चला जाएगा, अगर पहले 3 दे देते तो बी में चला, बट अगर आप ऑर्डर बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। जैसे आपको बी में देना था 3, तो आप पहले लिखो बट बी इक्वल टू 3 और ये इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पे ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू के साथ हमने वेरिएबल ही बना दिया। तो ये बी जो जाए, ये जो 3 जो जाएगा वो बी में ही जाएगा, इस वाले में जाएगा, और ये जो ये जाएगा वो इस वाले में जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया। तो देखिए 37 प्रिंट हुआ है, आया सबको समझ। तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हो कॉल करते समय, तब तो ऑर्डर मैटर करता है, बट अगर आप वेरिएबल बता देते हो तो आप कहीं भी लिखो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वेरिएबल यहाँ पे लिख दोगे वो वैल्यू उसी वेरिएबल में जाएगी जो आपने ऊपर बनाया है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं, हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहला फंक्शन मैंने बनाया था सिंपल नो आर्गुमेंट फंक्शन, फिर मैंने बनाया विद आर्गुमेंट फंक्शन, फिर मैंने बनाया विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप ऑल्सो। इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं पाइथन में और उसको कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल बेसिकली एक दूसरी फाइल होती है पाइथन में, जिसमें हम लोग अपने कोड को सेपरेट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग कोडिंग आसान हो जाए, और अगर क्लासेस सेम नाम की हो रही तो उसके कॉन्फ्लिक्शन रिमूव हो जाए। क्योंकि मान लो आप दो फंक्शंस बना रहे हो, दो फंक्शंस सेम नाम के हो गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल्स मतलब एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पे एक फाइल का नाम दे देंगे, उसका नाम दे देंगे एमर। तो जैसे हम लोगों ने नई फाइल बनाई तो यहाँ पे एक मॉड्यूल बन गया, इसी को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। और यहाँ पे अगर एक फंक्शन बना दें हम, हमने कहा फन टू, और हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट दिस इज फन टू फंक्शन फंक्शन ऑफ मॉड्यूल M1। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ fun3 को कॉल करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो राइट क्लिक करके रन करेंगे तो देखिए दिस इज चल रहा है, सही चल रहा है। बट अगर आप इस वाले मॉड्यूल का जो ये fun3 है वो इस वाले फाइल में कॉल करना चाह रहे थे इसके नीचे, तो इसको कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह इंपोर्ट करोगे, आप लिखोगे इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम M1 है, तो आप M1 को इंपोर्ट कर लोगे। उसके बाद अगर आपको मॉड्यूल का वो वाला जो फंक्शन था उसे कॉल करना था, तो आपको लिखना था मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो आप जैसे प्रोग्राम चलाओगे तो देखेंगे यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी। तो राइट क्लिक करूँगा, रन पे क्लिक करूँगा, देखिएगा दिस इज़ फन टू ऑफ M1। इसको आप दूसरे तरीके से, अगर आप M1.fun3 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, आप क्या कर सकते थे, फ्रॉम M1 इम्पोर्ट ऑल,
आप उस मॉड्यूल की सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर लीजिए, तो आपको एमओ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब उस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, अगर रन करेंगे देखिए कॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सिंगल चीज़ चाहिए तो आप सिर्फ क्या लिख सकते थे यहाँ पे, एम या फन 3, तो अब भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। इसका मतलब हमारे पास कई सारे तरीके हैं मॉड्यूल के फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर इम्पोर्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट इम्पोर्ट एमओ लिख सकते हो, फ्रॉम M1 इम्पोर्ट फंक्शन का नाम लिख सकते हो, अगर एक चीज़ चाहिए, अगर सारी चीज़ चाहिए तो ऑल मीन्स एस्ट्रिक भी लिख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे एक मैथ मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसको मैं इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा इम्पोर्ट मैथ, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल। अब क्या हम मैथ डॉट जैसे लिखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आपको स्क्वायर रूट प्रिंट करना है तो आप लिखोगे प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और अपना नंबर दे दोगे, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट को प्रिंट कर देगा। एक बार मैं प्रिंट करके दिखता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा 4। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको पावर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट मैथ डॉट पाव एक्स पावर वाई 2 पावर 2 मीन्स 4 को प्रिंट कर सकते हो। इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो इम्पोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूँ, स्क्वायर रूट हो गया, और मान लो इसमें से मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ सील, तो मैंने कहा दिस सील। अब यहाँ पे मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है मैथ डॉट मैथ डॉट, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ऑल, और फिर मैं क्या करूँगा, इस जहाँ जहाँ भी मैथ आया मैं उसको क्या कर दूँगा, मैथ को रिमूव कर दूँगा, जिससे कि क्योंकि हमने इम्पोर्ट अब दूसरे स्टाइल में किया है तो हम मैथ को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक सेकंड, मैथ को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो ब्रैकेट में लगा देता हूँ जिससे कि हमारा कोड एक्सिक्यूट हो जाए, पॉइंट जो लग गया उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर। ठीक है, अब रन करते हैं प्रोग्राम, हमारा वही आउटपुट आएगा। तो आप ऐसे भी इम्पोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल को, वैसे भी इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मॉड्यूल मीन्स अनदर पाइथन फाइल फॉर मेकिंग अवर प्रोग्राम मॉड्यूलर। हम प्रोग्राम मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारी कोडिंग ईजी हो जाए और आप अच्छे से कोडिंग कर पाओ। और अच्छे से कोडिंग कर पाओगे तो आप क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वो मेंटेनेबल होगा, आप मेंटेनेंस अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप चीज़ों को अलग अलग जगह पे लिख के रखोगे तो आपको समझने में कोड बहुत आसानी होगी। फिर तो हम लोगों ने कवर कर लिया है मॉड्यूल सिस्टम तक पाइथन में। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स बचे हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया और हमने पाइथन के सारी बेसिक्स को कवर कर लिया है। इवन हम लोगों ने क्या क्या कवर किया एक बार मैं बता देता हूँ हमारी इस वीडियो में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, और बेसिक सिंटेक्स में इंडेंटेशन कवर किया था हम लोगों ने, और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। इंस्टॉलेशन भी कवर किया था, कैसे इंस्टॉल करते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, फिर डेटा टाइप्स में नंबर, में इंटीजर, फ्लोट, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग बताया था, लिस्ट बताया था, टपल, डिक्शनरीज, और डिक्शनरीज के बाद हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट सीखा था, इफ एल्स, इफ लूप, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, फंक्शंस, मॉड्यूल सिस्टम, फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शन सीखे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गई हो तो आप और भी एडवांस चीज़ों की तरफ मूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, पाइथन की जो चीज़ें बची हुई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे और भी अच्छे से कवर की जाए सारी पाइथन की चीज़ें। उसके बाद हम लोग जेंगो वगैरह की भी सीरीज लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी सीख पाएँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से। बाय बाय।